हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल गेट सॉल्यूशंस। आज हम जानेंगे कि हम अपने मोबाइल को स्कैनर के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। कभी कभी हमें कुछ डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि को स्कैन करना होता है, लेकिन हमारे पास स्कैनर अवेलेबल नहीं होता है। उस समय यदि हम डॉक्यूमेंट की फ़ोटो अपने कैमरे से खींचते हैं तो उसका प्रिंट काफ़ी ख़राब आता है, उसकी क्वालिटी स्कैनर जैसी नहीं आ पाती है। ऐसी सिचुएशन में हम अपने मोबाइल डिवाइस को एज ए स्कैनर कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे, ठीक है। ये हमने प्ले स्टोर ओपन कर लिया। यहाँ पर देखिए आप कैम स्कैनर फ़ोन पीडीएफ क्रिएटर, तो यह हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से मैंने अभी किया हुआ है इसको इंस्टॉल। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अभी तक कितने लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। 50 मिलियन लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है और 4.5 की रेटिंग अभी इसकी चल रही है। यहाँ से इमेजेस आप देख सकते हैं कि यह क्या क्या वर्क कर सकता होगा। मैंने यहाँ से इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप देखिए, मैंने अभी तक इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्कैन किए हैं। यहाँ पर जो कैमरे का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यह आ गया डॉक्यूमेंट मोड का ऑप्शन। तो हमने देखिए, यह टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर ये कॉपी नोटबुक रखी हुई है। तो हमने इसको यहाँ से हमने इसको क्लिक किया और मैंने ये इमेज कैप्चर कर ली। इमेज कैप्चर करने के बाद में आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली अपना ऑब्जेक्ट एरिया सेलेक्ट कर लिया है, बट हमें ये ऑब्जेक्ट एरिया थोड़ा बड़ा चाहिए, तो हमने इसको री सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपके पास रोटेट करने की ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं, बट मुझे इसी पोजीशन में चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पर राइट क्लिक का ऑप्शन किया। आप देखिए यह कितनी क्लियर इमेज सेव होने वाली है। यहाँ से आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ऑटो मोड का यूज़ भी आप कर सकते हैं, यह क्लियर दिखाएगा बट ये ओरिजिनल जो आपके कलर वगैरह हैं सब एज इट इज़ रहेंगे। तो यदि आपको यह करना है तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल कलर आप यहाँ से देख सकते हैं, यह है इसका ओरिजिनल कलर है, तो इसने इसको पूरा सेव कर लिया। यहाँ से आप ग्रे मोड पे भी जा सकते हैं, हमें चाहिए ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट भी हम चूज़ कर सकते हैं, तो अब मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करके, क्योंकि मुझे तो ये डॉक्यूमेंट सेंड करना है, जस्ट प्रिंट आउट निकालने के लिए मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करके और सेव पे क्लिक कर दिया। राइट क्लिक का ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यह कितनी साफ इमेज है। सारे कंटेंट आप देखिए कितने क्लियर हैं। तो आप इसको इस तरीके से यूज़फुल बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ से शेयर बटन पे क्लिक करके इसको इमेज को व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल इसकी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप रीटेक का ऑप्शन है, यह देखिए यहाँ शेयर के ऑप्शन आ रहे हैं। और यदि आप इमेज को क्लिक करके नहीं करना चाहते, डायरेक्ट गैलरी से इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। इम्पोर्ट फ्रॉम गैलरी पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर इस इमेज को हमें क्लिक करना है, ये चेकमार्क हो जाएगा यहाँ पे। इम्पोर्ट पे मैंने क्लिक किया, तो इस तरीके से आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। यह इसने क्रॉप कर दिया है। अब मुझे ये चाहिए ऑटो मोड में, क्योंकि मुझे कलर में ही चाहिए, बट ये इसका जो ये शेडो है यह यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं ब्लैक एंड वाइट ही ले लेती हूँ। यह मैंने इसको सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको काफ़ी यूज़फुल बना सकते हैं और आप इसका पीडीएफ भी बना सकते हैं। यह मैंने इसका पीडीएफ बनाया और पीडीएफ बना करके मैंने इसको ओपन किया। यहाँ पर देखिए यह इसका पीडीएफ बन चुका है। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे यहाँ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए वीडियोस के अपडेट समय समय पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।